गुड मॉर्निंग भगवान जी, गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल, गुड मॉर्निंग छतंकु, गुड मॉर्निंग। बट इसको कैसे चला के ले जाएंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे बुलाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। ओकेजन पे चीजें दो तो ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेशल फील होता है। तो केक घर पे आ गया। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज है संडे बट नींद जल्दी खुल गई एज यूजुअल, क्योंकि जल्दी उठने आदत है। तो अभी थोड़ी देर में ललिता दीदी आ जाएंगी। एंड ये देखो लड़की क्या कर रही है, देखो ना। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, चले गए क्या बड़े पापा तेरे को छोड़ के? बड़े पापा घूम ही चले गए तेरे को छोड़ के? चले गए घूमी। उसको की गैलरी में बैठी हुई है, इसके बड़े पापा इसको घूमी छोड़ के चले गए हैं। तो बेचारी वेट कर रही है बैठे बैठे, बट ये सोई पूरी रात पापा के पास ही थी। बहुत कोशिश करी मैंने इसको अंदर ले लूं, बट ये मेरे पास आई नहीं। कहाँ सोई थी, बड़े पापा के पास? बड़े पापा पास सोई थी। चला जा। तो पापा का अपना रूटीन मेरी तरह फिक्स है, 5 बजे घर से गायब। अब वो आएंगे आराम से 7-7:30 बजे तक। नाइस। पापा सो रहे हैं। पापा सो रहे हैं बेटा, कौन आया देखो तो। मेरे को पैसे नहीं देने। इसको आओ, चला आओ। चिकन है तेरा, चिकन लाया है बेटा। मेरे को लगा तेरे लिए मोमोज को लंच छोड़ दिया। ये तो भैया तो सीधे खड़े रहे, कोई और होता तो थैले वहीं फेंकता और भाग जाता। बस 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 बस, तू ही कंट्रोल में आ जा बस। मिलता को बता दे कौन आया घर में, बता दे घर की मालकिन आ गई है, घर से काम कर लियो। आके ले जाऊंगी तेरे को, ऐसे में छाती पे खड़ी मत रह, जिम जा रही हूँ अभी मैं। बोला ले जाऊंगी तो मतलब ये नहीं कि अभी के अभी ले जाऊंगी, आके ले जाऊंगी। मुंडी नहीं हिलाओ, खाना खा ली, मुझे पता है आके लेके जाऊंगी। जिम कराऊं फिर लेके जाऊंगी, मुझे पता है तुझे बात ही लेके जाना। चलेंगे हम, पत्ता मत देखो तुकुल तुकुल करके, ठीक है? जाओ बड़े पापा के पास बैठ जाओ, मम्मा आके ले जाएगी पक्का, प्रॉमिस, ठीक है? ओके। सूजी अभी निकल रहे हैं जिम के लिए, इट्स ऑलमोस्ट 8:30। संडे को वैसे भी मैं लेट ही जाती हूँ, बट आज थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि ऊपर गई थी तो पता चला मेरी बलेनो पंचर है, आई डोंट नो क्या हुआ इसको। तो पापा की गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी आके दिखाते हैं, तब तक शॉप भी खुल जाएगी। बट इसको कैसे चला के ले जाएंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे बुलाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, देखते। तब तक इसको लेके जाते हैं वेन्यू को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, 10-15 मिनट कार्डियो करके भी हालत एकदम ख़राब हो जा रही है। सो प्लीज़ वाटर इनटेक अपना अच्छा लीजिए, हम फटाफट निकलते हैं। 9:10 हो गए, मेरे को गाड़ी का पंचर भी ठीक कराना है, उसके बाद स्कूबी को भी बाथी के लिए लेके जाना है। सो अभी फटाफट निकलते हैं। 2000 years later करना भूल गए, मैंने पोहा बनाया था ब्रेकफास्ट में, देखो कितनी सारी वेजिटेबल्स डाल रही हैं मम्मी पापा, वो खूब सारी वेजिटेबल्स डाल डालते पोहा खिला रही हैं। यही सिर्फ विकास का पोर्शन रह गया। मैंने जस्ट स्कूटी ले लिया है जिम से आके, और मेरा मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा, मम्मी मम्मी पापा को मेरे हाथ से डालना हुआ रखे रहते हैं। तो बनाऊंगी राजमा राइस और भिंडी पापा के लिए, क्योंकि आज फादर्स डे है। शाम को देखते हैं, अगर पापा का मन किया तो पापा को कहीं डिनर पर लेके चलेंगे। तो अभी पापा सो गए, क्योंकि पापा भी सुबह हैज़ आई टोल्ड यू कि सुबह जल्दी उठते हैं। तो और ये लड़की इस कमरे से बाहर आ ही नहीं रही, इस कमरे से बाहर इसको आना ही नहीं। नहीं, जिम से आके इतना ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई थी। तो अभी देखते हैं गाड़ी का पंचर ठीक कराते हैं। सो मुझे स्कूबी को नहलाने के लिए लेके जाना था, बट आज का नहीं हो पाया, कल का देखते हैं, या फिर नेक्स्ट संडे ही हो पाएगा, देखते हैं। अभी कोशिश करते हैं, अभी 1 बजे देखते हैं, अगर गाड़ी का कुछ जुगाड़ हो जाता है, पंचर ठीक हो जाता है तो लेके जाते हैं। क्योंकि और किसी गाड़ी में इसको भी जनरली बिठाते नहीं, सिर्फ बलेनो में ही बैठती है। आज नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, कल जाएंगे, ठीक है ना? ज्यादा नाटक मत करो, आ रहे बड़े पापा के साथ, काम से जा रहे हैं। ये चाबी नहीं लेके गया? माँ ऊपर की कुंडी मत लगाना, विकास चाबी नहीं लेके गया, ठीक है? जाओ बैठो माँ के पास, बैठो, माँ का ध्यान रखो, ठीक है? अभी ललिता दीदी सब आ रही है, सरिता दीदी भी आ रही है। ओके ओके।
पापा मुझे जाना है एक अर्जेंट काम से, हमें मंदिर जाना है, मंदिर जाके कुछ पंडित जी से काम है तो वो करके उसके बाद फिर एक दो पापा को सामान लेना है क्योंकि पापा का ट्रैवलिंग का डिसीजन एकदम अचानक से बना था, तो पापा को एक दो सामान चाहिए। वो सामान लेके फिर मैं पापा को गार्डन में छोड़ के फिर मैं जिम जाऊंगी, इसलिए मैंने अपना जिम लिया है। बाय 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 बाय। एक तो ये सारे बच्चे ना मुझे ऊपर नीचे होते तो एहसास दिलाते रहते कि मैं बड़ी हो गई हूँ, आंटी हो गई हूँ। बाय आंटी, बाय आंटी। सूजी बहुत लोग बोल रहे थे वेन्यू नहीं चल रही, वेन्यू नहीं चल रही, वेन्यू नहीं चल रही, क्योंकि वेन्यू के मालिक नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए वेन्यू बहुत कम चल रही थी। वंस इन अ ब्लू मून जब बलिनो में प्रॉब्लम आ जा रही थी, सो फाइनली वेन्यू के मालिक आ गए हैं तो अपनी वेन्यू चला रहे हैं मस्त। अब आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली वेन्यू चलते हुए मिलेगी पापा के साथ और मेरे साथ या फिर विकास के साथ, है ना बाबा? अब चलाएंगे पापा को, अब गाड़ी मिलेगी आप लोगों को पापा की वेन्यू रास्ते में। तो जी भगवान जी के दर्शन कर लिए, पंडित जी तो मिले नहीं, पंडित जी कहीं गए हुए हैं तो फ़ोन पे बात कर लेंगे उनसे जो पूजा वगैरह करानी है उसके लिए और सामान वगैरह जो मंगाना है। तो अभी चलते हैं वापस गाड़ी में, पहले फ्यूल भरवाते हैं एंड उसके बाद फिर पापा को जो काम है वो करके आते हैं। मैं इसलिए जिम से जल्दी उतर गई, आज सिर्फ 30-35 मिनट्स ही वर्क कार्डियो किया मैंने शाम को, क्योंकि मुझे पापा के लिए लोअर टी शर्ट लेना था एंड फादर्स डे पे ओकेजन पे चीज़ें दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेशल फील होता है। तो केक घर पे आ गया, पहले मैंने सोचा जाऊँगी बट मुझे शुगर फ्री केक अच्छा उस पर जोमेटो पे मिल गया था तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया था, केक घर पे आ चुका है। तो अभी जस्ट वेट करेंगे विकास आ जाए, फिर पापा के साथ केक काटेंगे एंड उनका स्पेशल फील कराएंगे। बहुत टाइम बाद यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ना लोगों को स्पेशल फील कराना और इम्पोर्टेंस रियलाइज कराना, एंड सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना, लगता है ना मैं ठीक कर रही हूँ ना। केक की मैं बात कर रही थी वो ये है, एंड द बेस्ट पार्ट ना ये शुगर फ्री केक है। हैप्पी फादर्स डे पापा। थैंक यू। लाइट नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लाइट काटो। पापा काटेंगे फादर्स डे का केक। पापा जी हैप्पी फादर्स डे। पापा जी बोलो। पापा जी केक काट दिए, जिंदगी में कभी पापा जी नहीं बोले। क्या बोलते पापा जी बोलने से क्या होगा? अच्छा लगता है जी, तो फॉर्मल लगता है। खाओ। ओए होए इसको तो केक काटे थे। आप भी अपने पापा को खिलाओ केक फादर्स डे। कोई मतलब नहीं है, खा ले बेटा। नो, अब मेरे फादर मुझे घूम ही नहीं ले जाते हैं। है चुता ऐसे बोल दिया, मेरे फादर मुझे घूम ही नहीं ले जाते, आप देख कैसे चमक रही है मटक रही है। सो जी पापा को भी कपड़े अच्छे लगे, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखिए।